खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। देश नु सौथी विकसित राज्य गुजरात आ देश नु गौरव छे। वेलकम टू द स्टेट फिनाले ऑफ द फिट इंडिया क्विज, इट्स द गुजरात एडिशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज फॉर द सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल फ्रॉम वलसाड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। छह राउंड के बाद स्कोर कार्ड पर क्या सूरत हाल है, आइए नजर डालते हैं। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बनकर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, सात फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, mandi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर, हाजिर हम लेकर एक और एपिसोड, कुछ और बातें किसानों की, खेती की। mandi.com में आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर एक खास किसान की। आमतौर पे हम नीतियों की बात करते हैं, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने लगातार बजट में जो कृषि संबंधी घोषणाएं हुई उनकी बात की, लेकिन सबके बाद जैसा कि बार बार कही जाती है बात की, जो भी कृषि की प्रगति है, कोई भी नीति हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जब तक किसान स्वयं उसको अच्छी तरीके से अपने ऊपर लेकर और खेतों में उतारने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक जो तमाम प्रयोग हैं जो प्रयोगशालाओं में होते हैं या जो किताबों में सिद्धांत तौर पे बताए जाते हैं, जब तक किसान उनको खेतों में नहीं उतारना शुरू करेगा तब तक वो प्रयोग सफल नहीं हो सकते। तो इसी बात की एक वानगी यानी एक ऐसा उदाहरण हम आज आपके लिए चुन कर लेकर आए हैं, एक ऐसा किसान जिन्होंने तमाम प्रयोगों और सिद्धांतों को अपने खेतों में उतारा है और इसलिए सफलता की एक नई कहानी लिखी है। हम आपका परिचय कराए थे आज के हमारे मेहमान और प्रगतिशील किसान अभिषेक कुमार से। अभिषेक कुमार केवल किसान ही नहीं है, एग्री एंटरप्रेन्योर भी हैं, कृषि उद्यमी हैं, कई सारे FPOs से भी जुड़े हुए हैं और कई सारे यानी करीब करीब 25 से 30 हजार किसानों से जुड़कर उनको
एक तरह से कहा जाए कि मार्गदर्शन भी देते हैं। हालांकि शुरुआत जो की थी अभिषेक कुमार ने, वो उन्होंने एक किसान के तौर पे ही काम करना शुरू किया था, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि जो तमाम कहानियां सफलताओं की होती हैं, प्रयोग होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जब वो कोई किसान ईमानदारी से अपने खेतों में उतारता है तो फिर अभिषेक कुमार जैसी कहानी बनकर सामने आती है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है mandi.com में। अभिषेक जी, बाकी जो बातें हैं वो सब हम समझेंगे इस अगले अगले आधे घंटे के इस एपिसोड में कि कैसे कैसे आपने क्या क्या किया है, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत समझना चाहूंगा, क्योंकि आप बिहार के औरंगाबाद से हैं और औरंगाबाद का जो इलाका है उसमें पहले भी हमने mandi.com में कुछ कहानियां की हैं जिसमें कि बहुत एग्जॉटिक यानी अलग तरह के स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसान भी वहां पर हैं, वहां पर ऐसे किसान भी हैं जो आमतौर पे गेहूं धान से अलग हटके कुछ खेती करके और उन्होंने काफी अच्छा नाम भी कमाया है और वो पैसे भी अच्छा कमा रहे हैं। आपने कैसे शुरुआत की अपनी किसानी? मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करके और नौकरी के सिलसिले में महाराष्ट्र के दो ऐसे शहर जो कह सकते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग हब या फिर कमर्शियल हब पुणे और मुंबई में था, लेकिन उस बीच मुझे ऐसा लगा कि बिहार में कृषि की बहुत सारी संभावनाएं हैं। मेरा जो भी बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का है और इस बदलाव में मुझे शरीक होना चाहिए। मैंने अपने नौकरी के दौरान कुछ जो ऐसे छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास एक बीघे दो बीघे एक एकड़ आधे एकड़ की जोत होती है और नौकरी करते हैं, उनको पाया वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसको ठीक किया जा सकता है, एक मॉडल के थ्रू ठीक किया जा सकता है या प्रयास तो कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ पॉली हाउस में हो रहे फार्मिंग ने मुझे खींचा था कि ये अगर हम बिहार में करते हैं तो शायद हम बेहतर रूप से कर पाएंगे। तीसरा जो वेस्टेज है पूरे पैन इंडिया लेवल पे या बिहार में जो सब्जी और फलों के वेस्टेज है उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ कुछ प्रोसेसिंग हाउस जो वहाँ पे हैं उनको मैंने विजिट किया और इन सारे मोटिव को लेके 11 में मैं बिहार आया। और यहाँ आने के बाद सबसे पहला जो थॉट ये था कि आप किसी को तभी ही कुछ कह सकते हैं जब आप खुद करें। अब आगे सीधा कंसेप्ट बेस्ड चीज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लोग इतने प्रयास करते हैं, ICAR से इतने प्रयास होते हैं, सरकार इतनी योजना लाती है, इतनी ट्रेनिंग्स देती है, बट वो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाता जितना कहीं भी वो एक डेमोन्स्ट्रेशन फार्म देख के या डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं फार्मर्स को। जब बगल का किसान खुद अपने खेतों में और करके दिखाता है तो उस पर भरोसा ज्यादा होता है। तो आपने जो शुरुआत की, पहली खेती आपने किसमें की और क्या आपने जैसे पॉली हाउस की बात की तो उसका भी इस्तेमाल शुरू किया, शुरुआत में किया, बाद में किया? सबसे पहले उसी से किया क्योंकि अगर आपको थोड़ा यूनिक देना है तो आप ऐसी चीज को लेके आया जिसको उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। मतलब जब पॉली हाउस का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ हमारे गांव में तो लोगों को लगा जैसे ये फैक्ट्री खुल रही है, उसके पिलर्स दिए जा रहे थे, उसमें मेटल्स यूज हो रहा था, तो उनको ऐसा लगा जैसे ये फैक्ट्री खुल रही है। इनफैक्ट बहुत दिन तक काफी किसानों ने ये बोला प्लांट प्लांट, वो प्लांट करके संबोधित करते थे कि प्लांट में ये चीज हो रहा है। फिर जब प्लास्टिक लगने लगी तो कुछ लोगों को ये मन में ऐसा आया कि भाई ये तो गर्मी की जो दोपहरी जो अपने यहाँ देहात में बोलते हैं कि जेठ की गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा तो ये सब करने का क्या फायदा है। और जब हमने भाई पौधे लगाने थे तो उसके जो सॉइल के प्रिपरेशन है उसमें जो बलुई मिट्टी को लाना था उसमें कौन से पौधों जरबेरा 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 फ्लावर वाज द फर्स्ट प्लांट। तो जरबेरा का अभिषेक आप औरंगाबाद से कहां, आपका मार्केट कहां था, कलकत्ता था या पटना था? पटना ही मार्केट है, मतलब मैंने पटना मार्केट को विजिट किया था और इस चीज को मैंने बिल्कुल मार्केट सर्वे में पाया था कि बिहार करीब करीब अपने जरूरतों के लिए 95% दूसरे राज्यों पर निर्भर होता है, 5% जो इसकी जरूरत है वो सिर्फ गेंदा है। इनफैक्ट गेंदा की एक बड़ी मात्रा कलकत्ता से आती है। मैं थोड़ा, क्योंकि समय हमारे पास कम है और अब पहले सेगमेंट में ब्रेक लेने का समय हो रहा है, मैं चाहूंगा कि इससे पहले, इस ब्रेक से पे जाने से पहले आपकी कहानी मोटा मोटा हमारे दर्शकों को पता चल जाए तो आप अगर मुझे अगले एक से डेढ़ मिनट में ये बता सकें कि ठीक है, किसान से आपकी जो यात्रा शुरू हुई वो कैसे आगे बढ़ी और अगले 10 साल में किस तरह से आप बाकी FPO से किसानों से जुड़े और कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए? किसानी करते करते एक फीलिंग आ गई कि भाई आप उन किसानों को तो पुश दे सकते हैं जिनके पास महज 1.5 एकड़ 1.4 एकड़ जमीन है
और वो रेवेन्यू बेस पे 4.5 लाख 5 लाख तक पर एनम होता था, जो नेट प्रॉफिट में 3 लाख के आसपास होता था। डिस्पाइट इम्प्लॉयमेंट मैं 2 लोगों को फुल टाइम इम्प्लॉयमेंट देता था, वो हमारे इलाके का पहला प्रयोग था जिसमें साल भर 2 लोगों को आप एक सर्टेन सैलरी पे दे रहे हैं। तो ये करते करते जब चीजें फैली तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनके माथे में, जिनके दिमाग में ये चीजें चलते रहती है कि उन्हें कुछ अलग करना है, या कुछ ऐसे लोग, ऐसे किसान भी होते हैं जो प्रयोग करके थके रहते हैं, बट शायद किसी एक तरीके से या तो कोई डिजीज को प्रॉपर टैकल नहीं कर सके या फिर लॉजिस्टिक को मैनेज नहीं कर सके। यानी तो इन सबको, यानी जो बात, जिस तरह से आपने खेती शुरू की वो देख के शुरू में ही जो बहुत सारे आपके साथी किसान थे वो प्रेरित हुए और धीरे धीरे वो आपसे सलाह मार्गदर्शन लेने आने लगे, और इस तरह से आपका एक तरह से खुद किसानी के साथ दूसरे किसानों को मार्गदर्शन देने का भी सिलसिला शुरू हुआ। चलिए ये कहानी हम जारी रखेंगे, अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से पहले हालांकि एक सेगमेंट में कहानी थोड़ी हमारी धीमी चली है, हम कोशिश करेंगे अगले 2 सेगमेंट में इस कहानी की गति थोड़ा बढ़ाने के लिए ताकि अभिषेक की पूरी कहानी हम समझ सकें। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे तुरंत इस छोटे से ब्रेक के बाद। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एक प्रगतिशील किसान की, उस प्रगतिशील किसान की जिसने पहले तो पढ़ाई की, पढ़ाई में अच्छी डिग्री ली, डिग्री के बाद पुणे और मुंबई जैसे महानगरों में नौकरी की, लेकिन वापस अपने गांव में अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया और वहां पे नए तरीके की खेती, तकनीक के साथ खेती, यानी चाहे वो फूलों की खेती हो और चाहे वो पोली हाउस के साथ खेती हो, उस तरह की खेती शुरू की और धीरे धीरे उन्होंने अपना मुकाम बनाना शुरू किया। हमारे साथ अभिषेक कुमार बिहार के औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं, उनकी कहानी हम समझ रहे हैं। तो अभिषेक, ये फूलों की कहानी हो गई, 2011 से आपने शुरू किया था, 2016 तक आपने बताया कि आपने किसानी ही किया और उसके बाद धीरे धीरे आपने बाकी क्षेत्रों में भी धीरे पैर पसारना शुरू किया और कई सारी चीजें आपने शुरू की जिसमें हर्बल चाय का भी काम आपने शुरू किया है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, ये हर्बल चाय का जो आपने काम शुरू किया, इसकी खेती कैसे की है और खेती से ज्यादा हमें ये बताइए कि मार्केटिंग में किस तरह से काम किया है आपने इसमें। आपको दिखाऊं, ये हमारा हर्बल चाय का पैकेट है। जी जी। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक तो जो पैकेजिंग स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया गया है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, जो फूड सेफ्टी के लाइसेंस है उसको डाला गया है। इसमें मेजर जो प्रोपोर्शन है वो है लेमन ग्रास का। लेमन ग्रास की फार्मिंग इसलिए जरूरत है कि सरकार भी क्लाइमेट बेस्ड फार्मिंग के ऊपर ध्यान दे रही है। दूसरा, जो अचानक से हम देख रहे हैं कि जो जंगली जानवर है वो खेतों की तरफ आ रहे हैं, तो लेमन ग्रास की फार्मिंग जो बड़े स्केल पे करते थे उनके पास तो आसवन यूनिट बैठाने का सारा स्कोप होता था, उनके पास वो एक्सपेंडिचर्स करने की क्षमता होती थी, लेकिन छोटे किसानों के पास वो क्षमता नहीं थी। ऐसे कुछ किसानों ने मुझे कहा कि मैं अपने प्रोडक्ट का क्या करूं। मैंने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा काट के और पहले चेक के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। टेस्ट बड़ा ही सूदिंग लगा। सूदिंग लगने के बाद थोड़ा सा और रिसर्च किया गया तो ऐसा लगा कि भाई इसमें कुछ मेडिसिनल फैक्टर्स भी हैं। उस मेडिसिनल फैक्टर्स में पहला था डिटॉक्स, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि बाकी ग्रीन टी के लिए लोग कंज्यूम करते हैं, बट उस ग्रीन टी में बिटरनेस का फील जो उनको होता है वो शायद उनको उससे फिर दूर कर देता है। हेल्थ के लिए तो लोग उसके तरफ आते हैं बट उसके टेस्ट के बाद उससे दूर हो जाते हैं। इसमें वो चीज मौजूद था। फिर हम लोगों ने इसको, इसका मतलब आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लिया रिसर्च के साथ, उसकी मार्केटिंग कैसे आपने की, बाजार में कैसे पहुंचाया उसको आपने? बाजार में सबसे पहले तो हमने छोटे छोटे सैंपल्स बनाए और उन दुकानों को दिया जहां पे लोग कुछ भी ग्रोसरी का आइटम खरीदें
जिसमें अगर वो चाय खरीद रहे हैं तो उनको देना ही है कि आप एक बार इस चाय को भी पिए। जगह जगह हम लोगों ने स्टॉल्स लगाए, जहां जरूरत पड़ी कहीं मैं भी खड़ा हुआ और लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर आपको गैस की बीमारी है तो जस्ट इसको आप देखिए, हम ये नहीं करेंगे, हम दवा दे रहे हैं, हम आपको क्योर कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स आपके दवा आपके खान पान के साथ ये भी एक प्रिवेंटिव मेथड है जिसको कंज्यूम करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा। उसमें कुछ महिलाओं ने तो यहाँ तक आ चुकी, इसकी जो शक्ल है वो बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे खरपतवार जैसा कुछ डाल दिया गया, तो मूंज वाली चीज है या मूंज ऐसा करके लोगों ने संबोधित किया। बट जब लोगों ने पिया ना तो उनको फिर ये जरूरत महसूस होने लगी। और हम शुरू में बिना कोई ब्रांड के बस जस्ट जो रसगुल्ले का पैकेट होता है उसमें पैकेट करके लोगों तक बेचते रहे। कई लोगों ने पेमेंट किया, कई लोगों को मैंने सोशल मीडिया से फ्री ट्रायल के लिए भेजा। उनके जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो डायरेक्ट सेलिंग पर आधारित थी, आप सीधे ग्राहकों तक पहुंचे, आपने कोई फ्रेंचाइजी या कोई बिचौलिया या इसके कुछ नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि एक छोटे एंटरप्रेनर के पास जो होता है वो कॉस्ट उतना ही लिमिटेड होता है। बिल्कुल, पैकेजिंग पे आई तो इसका जो ब्रांड नेम है, आप देखिए ब्रांड नेम है तीतर, मतलब ये चिड़िया है तीतर जो उन झाड़ियों में बैठती है, वो उन्हीं झाड़ियों में बैठती है। आप गांव में भी उनको देखेंगे तीतर पटेर जैसे जो शब्द है, तो उसको मैंने लिया और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को फिर से बताया कि एक ब्रांड है। तो कुछ खादी भंडार वाले लोग ने मुझे खुद ही ऑफर किया कि मैं आपके चाय को रखना चाहता हूँ। कुछ टी स्टोर्स ने कहा कि हमारे यहाँ सब कॉन्कोक्शंस है, क्योंकि जो बड़े ब्रांड है लाइक जैसे ऑर्गेनिक इंडिया, उसके पास सब था, तुलसी चाय था, उसके पास अदरक चाय था, उसके पास टर्मेरिक चाय था, उसके पास ग्रीन टी, बट ये फ्लेवर नहीं था। ये फ्लेवर बिल्कुल जिस समय 16 में हमने ईजाद किया बिल्कुल ये वर्जिन फ्लेवर था और लोगों ने डिमांड करना शुरू किया। इसका एक फायदा ये होता है कि भाई महिलाओं को उनके स्किन्स में ये फायदा देता है, स्किन्स के ब्यूटी में फायदा देता है जी। तो उनके तरफ यानी और अब इसको मैंने ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट पे भी डाल दिया, तो फ्लिपकार्ट से मुझे पैन इंडिया ऑर्डर आते हैं और उनके डिलीवरी चैनल से। यानी अभिषेक, सार संक्षेप में कहें तो आपने हर्बल चाय को लेके तीनों स्ट्रेटजी या तीनों भूमिकाएं एक साथ निभाई। आप किसान भी थे, आपने रिसर्च भी किया और साथ में आप मार्केटियर की भूमिका में भी आए, आपने बाजार भी इसका पकड़ाया। हर्बल चाय के अलावा और दूसरा कौन सा आपका काम रहा है जिसमें कि आपने खुद भी और दूसरे किसानों की भी मदद की है और वो आपके लिए एक एक प्रमुख रेवेन्यू सोर्स के तौर पे विकसित हुआ है? एक तो उसी जो स्ट्रॉबेरी की बात आप कर रहे हैं, जो चिल्की बिघा कुटुम्बा अम्बा के पास जो स्ट्रॉबेरी है, उनकी ये समस्या होती है कि होली के आसपास उनका प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ती है और बहुत तेजी से वो पकने लगता है। दूसरा जो उनका लॉजिस्टिक चैनल है वो दिक्कत में आ जाता है, बसें रुक जाती है। तो उसका स्क्वैश बनाने का ट्रायल हमने कर रखा है कि स्क्वैश को हमने बहुत ही सिंपल मिक्सी में मैंने स्ट्रॉबेरी को ये किया, उसको पिसाई करी, उसके साथ शुगर किया, उसको सोडियम बेंजोएट किया, उसको साइट्रिक एसिड में मिला के एक सर्टेन परपोसनेट, उसमें ऑफकोर्स जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो होम साइंस के साइंटिस्ट हैं उनकी भूमिका थोड़ा सा हमने जोड़ी है और वो बहुत ही सफल हुआ है। तो इसके साथ हम दो तीन और चीजों को लेके आ गए हैं। एक तो तुलसी का ड्रॉप, इस कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आयुर्वेद से बहुत प्रेम नहीं था बट इम्यूनिटी के नाम पर उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजों का सेवन किया है, ऐसा ट्राई किया, उसमें तुलसी ड्रॉप है। तुलसी ड्रॉप हमारे अगला प्रोडक्ट हो सकता है। कई हमारे यूजर्स ऑलरेडी मोरिंगा पाउडर हिबिस्कस टी का यूज कर रहे हैं। ये जो भी आप प्रोडक्ट्स बता रहे हैं इसकी सोर्सिंग आप किसानों से ही सीधे करते हैं या किसान आप... हमारे किसान इनफैक्ट वो सब का कोई ना कोई एक सोर्स हमारा खेत भी है। मतलब ये मैं जितनी चीजें कर रहा हूँ, मैंने तुलसी की खेती करी हुई है, हमने मेंता की खेती करी हुई है, हमारे खेत में लेमन ग्रास लगे हुए हैं, उड़हुल लगा हुआ है, हालांकि उड़हुल को कुछ हद तक मिल गए, उन्हें थोड़ा तंग किया बट हम अब सोलर फेंसिंग के थ्रू उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, पहला तो मेरे खेत का है और हमारे अलाइड फार्मर्स का है। जी, अब जी, कुछ ऐसे फार्मर्स जो लेमन ग्रास का वाइल बेचते थे और पर एकर उनको मिलता था 20,000 रुपया 21,000 रुपया, आज जब मैं उनको ये लिंकेज देता हूँ अपने थ्रू तो उनको 60,000 65,000 70,000 का फायदा हो रहा है। और अब तो एक ऐसी विधा चली है कि कई ऐसे आयुर्वेदिक संस्थान या सामाजिक संस्थान बहुत ही बल्क रेट पे इसको परचेज कर रहे हैं। जी अभिषेक, हम ये चर्चा जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे और जानेंगे कि अभिषेक कुमार जो किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जितने बड़े पैमाने पर यानी बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक के किसानों को संपर्क में लाकर किस तरह से कौन सी नई चीजें वो किसानों को बता रहे हैं जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में सुविधा तो हो ही रही है लेकिन साथ ही बाजार में कहें कि नए तरह के और सीधे किसानों से जुड़े उत्पाद भी मिल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12। स्वागत है एक बार फिर आपका mandi.com में। हम बात कर रहे हैं आज प्रगतिशील किसान अभिषेक कुमार से, बिहार के औरंगाबाद से। और अभिषेक कुमार जिन्होंने एक तकनीकी डिग्री के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी नौकरी से, लेकिन बाद में अपने गांव लौटे और खेती से शुरुआत उन्होंने की। खेती करीब 5-6 साल किया और बाद में वो एक एग्री एंटरप्रेन्योर के तौर पे दूसरे किसानों के साथ मिलकर और उत्पादों के विकास में भी लग गए हैं। अभिषेक, जो बातें हमने अभी तक की उससे समझ में आया कि आपने हर्बल चाय विकसित किया, तुलसी है और आपने बताया लेमन ग्रास है, मेंथा है, ये सब आपने खेती भी की है, इनके उत्पाद भी आपने बनाए हैं और बाजार में सीधे पहुंचाए हैं। जो मार्केट लिंकेज की बात आप बीच में बता रहे थे कि आपने मार्केट लिंकेज के लिए जो प्रयास किया है, मैं चाहता हूं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उस पर आप और जोर दे के बताएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए, क्योंकि वो उत्पादन तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन बाजार से वो जोड़ नहीं पाते हैं अपने आप को और अपने उत्पादों को। इसके लिए क्या क्या आपने किया, थोड़ा संक्षेप में बताइए, और किसानों के लिए जो सलाह आपको लगता है वो बिंदुवार आप अगर कुछ सलाह दे सकें 2-3 तो बहुत अच्छा हो। यही है कि एक फार्मर्स के नाते, एक जो ट्रेडिशनल फैमिली फार्मिंग के नाते हमने देखा कि भाई पार्टी उनका खेत से जाता है, हर किसी का MSP नहीं मिलता। तो किसान प्रो एक स्टार्टअप हमारे कुछ मित्रों ने बना रखा था, उन्होंने मुझे कहा कि आप भी साथ में आओ। और किसान प्रो के थ्रू हम लोग ऐप बेस्ड सॉल्यूशंस देते हैं, डेटा का रियल टाइम उस पे संग्रह होता है। मौसम तो हम, मैं मानता हूँ कि मौसम की भविष्यवाणी अब करीब करीब गूगल भी कर देता है, लोग गूगल पे डाल के देख लेते हैं रेन का, बट एग्जैक्ट डेटा जैसे एक स्पेसिफिक डेट पे खीरा का प्राइस क्या है, कौन से दिन आप उसकी स्वाइंग करेंगे तो मैक्सिमम हार्वेस्टिंग होगा। लाइक मैं आपको समझाऊं कि ग्लैडुलस का फूल कोई लगा रहा है, बट अब ग्लैडुलस का फूल महंगा बिकेगा, बट ऐसे समय में फ्लावर आएगा जहां पे लगन है ही नहीं, तो पर यूनिट कॉस्ट इतना कम मिलेगा किसान को कि इनोवेशन तो हुआ, उसका फोटो तो छपेगा, उसका वार्ड्स तो मिलेंगे, बट किसान के पॉकेट में कुछ नहीं गया। आमदनी हम लोग किसान प्रो के थ्रू ये सॉल्यूशंस देते हैं कि किस समय लगाइए, कौन सी वैरायटी लगाइए, और अगर आपको जरूरत पड़े तो हम लिंकेज करके देते हैं, बाजार से 10% 15% सस्ते रेट पे आपको देंगे। और प्रोड्यूस को हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस के पास लेके जाते हैं जहां पे उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है और उनको ज्यादा दाम उनसे मिलता है, जिसमें से कुछ स्ट्रॉबेरी, कुछ खीरा, कुछ पपीता को हम लोग एक्सपोर्ट जैसा भी देख रहे हैं एज ए, मतलब किसान प्रो स्टार्टअप हम लोग ये प्रयास में है कि एटलीस्ट बिहार और झारखंड के कुछ किसानों को हम लोग लिंकेज करें। इस लिंकेज के चरण में हमने धान को कुछ बड़े ब्रांड, जो इंडिया के बड़े ब्रांड है, वहां तक पहुंचाया है और बहुत कुछ। अच्छा। किसानों को हमने 25-30 पैसा पर केजी का फायदा दिया। 25-30 पैसा पर केजी का फायदा मतलब होता है कि एक छोटा किसान 3-4 एकड़ वाले के पॉकेट में आप एडिशनल 15,000-20,000 डाल देते हैं, तो उसके एक दो बच्चे के साल भर के स्कूल फी के बराबर। अभिषेक, हमारे पास समय अब लगभग खत्म हो गया है और कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी में है, बस एक सवाल आपसे और मैं पूछना चाहता हूं कि आप औरंगाबाद बिहार से केंद्रित हैं, वहीं से आप अपना स्टार्टअप भी चला रहे हैं, लगभग बिहार के हर जिले में, पूरे बिहार में आपने किसानों से अपने को जोड़ा है और साथ ही आप दूसरे राज्यों के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के किसानों के साथ भी काम कर रहे हैं, किस तरह से आप इनके साथ जुड़ते हैं, किन तकनीकों का की आप मदद लेते हैं और इनको किस तरह की एक्सटेंशन सर्विसेज, किस तरह की सलाह आप देते हैं? देखिए, एक महाराष्ट्र छूट गया, अभी देहरी में हमने महाराष्ट्र से एक ट्रक प्याज मंगाया है, वहां से चल के आया, जो भी फ्रेट कॉस्ट है उसको मैंने ये किया, और जो बढ़वार हुआ है, जो सरकार अभी एक्सपोर्ट को
जारी रखे हुए, इम्पोर्ट होना नहीं है, तो सीधा पैसा किसानों को हमने दे दिया, किसानों को वो मेहनत नहीं लगा। अब कर्नाटका में हम बीज को सोच करके जो एक तो बड़े ब्रांड है फिट के, मतलब चिकन फिट के, उनको दे रहे हैं, तो हमारा सलाह उनको यही होगा कि ऑलवेज इनोवेशन पे तो ध्यान दें, लेकिन इनोवेशन के साथ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखें, वैरायटीज बहुत इंपॉर्टेंट रखें, और बेचने के लिए आसपास अपने ऐसे लोगों को सर्च करें जो उनको पेमेंट देने का कमिटमेंट जो करें नगद, मतलब सेम डे। जनरली अभी तक लोगों ने क्या फॉलो किया कि नगद के नाम उनको दे तो देते हैं, बट वो पैसा 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, कहीं कहीं तो एक साल तक नहीं मिलता है। दूसरा, जो भी सरकारी स्कीम है खासकर प्रिवेंशन के लिए या जो स्टोरेज के लिए, उसका यूज जरूर करें। वो अगर जिले में दो तीन ही आया है तो आप अपने वरीय पदाधिकारी को रिक्वेस्ट करें कि हम चार लोग थे, हम चारों गोडाउन बनाना चाहते थे लेकिन हमारे जिले में दो ही आया, तो दो एडिशनल दे दिया जाता है। कोई ऐसा टारगेट नहीं है, जैसे पिछले ही साल हमारे जिले में मेंथा का टारगेट जीरो था, बट हम सब किसानों ने दिखाया जाके उद्यान पदाधिकारी महोदय को, डायरेक्टर उद्यान को, कि भाई हम 100 एकड़ में नर्सरी लगाए हुए हैं और हमारे यहाँ योजना नहीं आप देंगे तो इसका फायदा आपको भी नहीं मिलेगा, आप चाहते हैं कि क्लाइमेट बेस्ड फार्मिंग का फायदा हमारे पूरे राज्य के किसानों को मिले। जी, तो ऐसी चीजें बहुत बार आप सरकार को पहुंचाए और ये कलेक्टिव पहुंचाए, अकेले नहीं संभव होगा। अकेले आप करेंगे तो 10 जानवर आपके फसल को बर्बाद कर देंगे, और 10 जब करेंगे तो कोई ना कोई एक वहां आपके प्रोडक्शन के लिए खड़ा रहेगा, क्रॉप के मंडी आपने तक आएगी, क्योंकि आज के डेट में हर किसी को एक ट्रक एक रैक का माल चाहिए। ये नहीं कहता है कि 10 बोरा है तो भेजो, कहता है कि भाई अभिषेक मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने ये जो तमाम बातें बताई हैं वो हमारे किसानों के लिए, किसान दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। मैं जानता हूं आपके पास बहुत कुछ बताने के लिए होगा, पिछले करीब 10-12 साल का अनुभव आपके पास है, तो बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके पास होंगे, लेकिन हमारे साथ मजबूरी है कार्यक्रम के समय सीमा की। मैं अपना आभार आप प्रति व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मौका दिया, मैं इस चैनल का बहुत बड़ा फैन हूं और बहुत सारी चीजों के लिए मैंने इससे काफी जानकारी हासिल करी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। अभिषेक कुमार ये थे बिहार के औरंगाबाद से, जो बात कर रहे थे अपनी जो किसानी और उद्यमिता की यात्रा है उसके बारे में, और बता रहे थे बहुत सारे ऐसे तरीकों के बारे में, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में जिनका ध्यान रख के कोई भी किसान अपनी खेती भी कर सकता है और उससे बहुत अच्छी आमदनी भी हासिल कर सकता है। फिलहाल अब mandi.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।